चंदू और जादुई पौधा। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है चंदू और एक जादुई पौधे के बारे में। तो चलिए कहानी की दुनिया में झांकते हैं। एक बार एक छोटे से गांव में चंदू नाम का एक लड़का रहता था। चंदू बहुत ही जिज्ञासु स्वभाव का था और उसे पेड़ पौधों से बहुत प्यार था। उसके घर के पास एक बगीचा था जहाँ वह अक्सर पेड़ों के नीचे खेलता और उनकी देखभाल करता था। एक दिन बगीचे में खेलते हुए चंदू को एक अनोखी सी चमक दिखाई दी। वह पास गया और देखा कि एक छोटा सा पौधा उग रहा है जिसकी पत्तियां चांदी की तरह चमक रही थीं। चंदू ने पहले कभी ऐसा पौधा नहीं देखा था। उसे उसने ध्यान से उठाया और घर ले गया। घर पर चंदू ने अपनी दादी को वह जादुई पौधा दिखाया। दादी ने उसे बताया कि यह एक खास पौधा है जो हर रात चांदी की रोशनी देता है। चंदू बहुत खुश हुआ और उसने पौधे को अपने कमरे में रख लिया। हर रात पौधा चमकता था और चंदू के कमरे को रोशन कर देता। चंदू को अब रात में अंधेरे का डर नहीं लगता था। वह पौधे से बातें करता था और उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था। कुछ दिनों बाद गाँव में अकाल पड़ गया। लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था और हर तरफ दुख का माहौल था। चंदू भी इस स्थिति से बहुत दुखी था। एक रात चंदू जादुई पौधे के पास बैठा हुआ था और उसे गांव की दुर्दशा के बारे में बता रहा था। अचानक पौधे से एक नन्ही सी आवाज़ आई। आवाज़ ने चंदू को बताया कि वह उसकी मदद कर सकता है। पौधे ने चंदू को बताया कि उसकी जड़ों के नीचे सोने के सिक्के दबे हुए हैं। चंदू को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने पौधे की बात मानी और ज़मीन खोदकर देखी। वाकई में वहां सोने के सिक्के मिले। चंदू ने उन सिक्कों को लेकर गांव के मुखिया के पास गया। उन्हें बताया कि जादुई पौधे ने उसकी मदद की है। मुखिया ने उन सिक्कों को इस्तेमाल गरीबों की मदद करने और गांव में अनाज लाने के लिए किया। धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौट आई। चंदू और उसका जादुई पौधा गांव के हीरो बन गए। हर कोई उसकी दयालुता और मदद करने के लिए उनकी प्रशंसा करता था। तो दोस्तों, ये थी चंदू और जादुई पौधे की कहानी। इस कहानी से सीखते हैं कि मदद करने की भावना कितनी महत्वपूर्ण है। भले ही आप छोटे हों, आप भी दूसरों की मदद कर सकते हैं और दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली कहानी में।